will discuss about class 8 NCERT lesson comparing quantity. This is part 6 video. In this video we will discuss about exercise 8.1 question number 5. Okay, see the question. If Chameli had rupees 600 after spending 75% of her money. यहाँ पर question में क्या दिया है कि if Chameli had rupees 600 after spending 75% of her money, मतलब उसके पास अमाउंट कितना बचा है, 600 अमाउंट बचा हुआ है. कब बचा हुआ है, जब उसके पास उसने क्या किया, उसके मनी में से 75% मनी क्या किया उन्होंने, स्पेंड किया है. ओके, तो उसके पास कितना बचा है, 600 रुपीज. ओके, सो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो उसके शुरुआत में उसके पास कितना अमाउंट था ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, अब देखो यहाँ पर देखो उसके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, बैलेंस कितना है, बैलेंस है 600 है. ओके, इतना अमाउंट बचा हुआ है. अब वो 100% में से, 100% में से उसने कितना स्पेंड किया है, 75% स्पेंड किया है. ओके, 75% स्पेंड करने के बाद उसके बाद अमाउंट कितना है यहाँ पर, 600. ओके, 600 अमाउंट है तो 600 के लिए परसेंटेज कितना होगा, 100 में से उसने कितना किया है, 75% क्या किया है, स्पेंड किया है, खर्चा किया है. मतलब 100% माइनस 75% तो बचेगा कितना यहाँ पर, 25%. मतलब यही 25% मींस क्या होगा, ये उसका बचा हुआ अमाउंट होगा. परसेंट में कितना है उसका, 25. ओके, तो यही क्या होगा, 25% मींस उसका बचा हुआ अमाउंट है. ओके, 600. क्वेश्चन देखो अच्छे से, उसके पास 100% है. ओके, 100% मनी है, उसमें से 75% उसने क्या किया, स्पेंड किया है, खर्चा किया है. उसके बाद उसके पास अमाउंट कितना बचा है, 600. ओके, अब देखो 600 के लिए परसेंटेज कितना है मींस उसका, तो 100% में से उसने कितना किया है, 75% स्पेंड किया है, तो 100% माइनस 75% तो बचा कितना है, 25%. तो 25% मींस क्या होगा उसका, 600 अमाउंट होगा. मतलब 25% अमाउंट बचा हुआ है उसके पास, मींस ही क्या है, 600 अमाउंट बचा हुआ है. ओके, तो हमें क्या है उसकी बिगनिंग अमाउंट फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलो बिगनिंग अमाउंट फाइंड आउट करते हैं. ओके, लेट द बिगनिंग अमाउंट, बिगनिंग अमाउंट मतलब बिगनिंग मनी जो है उसकी अमाउंट है, हम एक्स मान लेते हैं. ओके, उसके बाद अमाउंट कितना बचा हुआ है, 600 बचा हुआ है. ओके, तो 600 के लिए परसेंटेज कितना है यहाँ पर, 25% है. तो हम क्वेश्चन में किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, 25% ऑफ बिगनिंग अमाउंट, 25% ऑफ बिगनिंग अमाउंट मतलब उसकी शुरुआत की अमाउंट कितना है, एक्स इज इक्वल टू 25% मीन्स कितना है उसका अमाउंट बचा है, 600. सो हम 600 लिखते हैं यहाँ पर. देखो बिगनिंग अमाउंट उसकी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए 25% ऑफ x मतलब उसके पास बचा कितना हुआ है, 25% ऑफ टोटल मनी में से. ओके, सो टोटल मनी में से उसके पास बचा हुआ कितना था ये, 25%. 25% ही मींस कितना होगा, ये 600 होगा, मींस क्या होगा, इज इक्वल टू 600 होगा. ओके, अब देखो यहाँ पर 25% को किस तरह से लिख सकते हैं, 25/100 आपका मीनिंग क्या होता है, एक्स होता है, सॉरी आपका मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 600 होगा. क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि इक्वेशन किस तरह से बना हुआ है. ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है, 25% मींस कितना है उसका, 600 है, इसलिए 25% ऑफ उसकी बिगनिंग अमाउंट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 600 आया. ओके, नाउ 25/100 इनटू 25% मींस 25/100 इनटू x इज इक्वल टू 600. आपका मीनिंग ध्यान में रखना है, सॉरी आपका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. ओके, सो नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 25 इनटू x कितना होगा, 25x डिवाइडेड बाय ये 100 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 600. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर जाती है, क्या होगा, मल्टीपल में हो जाएगा. सो ये 100 को इधर लेके आते हैं, सो क्या होगा, ये 25x इज इक्वल टू 600, ये डिवाइड का इधर आएगा, मल्टीपल हो जाएगा 100. नाउ अब यहाँ पर देखो
एक्स, अब ये 25 इधर मल्टीपल में है तो इधर के आकर के आवर डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स ही फाइंड आउट करना है, द बिगनिंग अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये 25 इधर आ जाएगा डिवाइड बाय 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 25 1 25 25 4 100, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बचा x इज इक्वल टू कितना 600, ये 600, ये 600 इंटू कितना 4, तो 600 इंटू 4 कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24 और ये 20, सो कितना हुआ ये, और इसको रुपीज में लिख लेता है तो क्या होगा, ये रुपीज 6 इंटू 4 कितना होगा 2400, तो अमाउंट कितना बचा, मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा उसके पास शुरुआत में रुपीज 2400। ओके, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्या कितना अमाउंट रुपीज 2400। ओके, शी हैव इन द बिगनिंग, सो लिख सकते हैं यहाँ पर रुपीज 2400। ओके, शुरुआत में कितना अमाउंट रहेगा उसके पास रुपीज 2400 शी हैव इन द बिगनिंग। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2400 शी हैव इन द बिगनिंग में उसके पास 2400 अमाउंट था। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपको पहले बताया कि आपको इसका इक्वेशन किस तरह से बनाना है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, ना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।